गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, कल जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू कर रहे हैं। और अपनी प्रश्नावली चल रही थी 1.1, उसके 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को देखें, समझें और फिर आंसर को नोट करें। तो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है। पहले तो उसने 2000 रुपये जमा करवाए, फिर और अगले दिन उनमें से 1642 रुपये निकाल देता है। पहले दिन तो 2000 जमा करवाता है और दूसरे दिन 1642 रुपये निकाल देता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? तथा निकासी के पश्चात, यानी निकालने के बाद, निकासी का मतलब होता है निकालना, पैसे निकाल लिए, तो निकासी के पश्चात मोहन के पास शेष कितने पैसे रहे? मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। आंसर में लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे कि मोहन अपने बैंक खाते में पहले 2000 रुपये जमा करवाता है, फिर उसमें से अगले दिन 1642 रुपये निकाल देता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी माइनस में, ऋणात्मक का मतलब माइनस और धनात्मक का मतलब प्लस, तो जो निकाली गई राशि है, जो उसने पैसे निकाले हैं, उनको ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है, ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि जो उसने जमा करवाई थी 2000 रुपये, उसको कैसे निरूपित करेंगे? खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? और फिर निकासी के पश्चात यानी पैसे निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि, पीछे कितने पैसे बचे वो बताइए। तो सबसे पहले मोहन ने बैंक खाते में जमा करवाए, कितने जमा करवाए? 2000 रुपये। तो जो जमा करवाए हैं ना, उनको हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि मोहन के खाते में मान लो 0 रुपये पड़ा था पहले,
मोहन के खाते में पहले 0 रुपये पड़ा था, कोई पैसा नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। अब उसने 2000 रुपये जमा करवाए, ये 2000 उसमें जमा करवा दिए, अब कितने हो गए उसके खाते में, 2000 रुपये हो गए ना। तो पहले उसके खाते में कुछ नहीं था, तो मोहन ने अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है। पहले इसके खाते में 0 था, अब इसे 2000 जमा करवाए तो 2000 कितने हो गए, इसके खाते में प्लस हो गए ना। अरे भाई इसने जमा करवाए हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा जेब खाली था और किसी ने आके इसमें 2000 रुपये डाल दिए जेब में, मेरे जेब में डाल दिए, तो मेरे तो मामला प्लस में हो गया ना भाई, मेरे को तो फायदा हो गया। तो पहले कुछ नहीं था, अब ये 2000 मेरे खाते में आ गए, तो ये क्या हो गया, प्लस, धनात्मक आ गया ना, धन मेरे पास आ गया है। तो जो जमा होता है वो तो होता है प्लस में, तो जमा की गई राशि को प्लस में दर्शाएंगे, तो प्लस 2000 रुपये। ओके, फिर उसने क्या किया, अगले दिन कितने निकाले पैसे, निकाले कितने निकाले, 1642। इसने क्या कहा है, किताब वाला देखो कि उसने अगले दिन 1642 रुपये निकाल देता है, और यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से दर्शाते हैं या निरूपित किया जाता है। जो खाते से निकाली गई राशि है ना, तो खाते से उसने कितने निकाले, 1642, उनको ऋणात्मक संख्या के, ऋणात्मक यानी माइनस में निरूपित किया जाता है, -1642 से निरूपित किया जाएगा निकाली गई राशि। अब मेरे पास मान लो 100 रुपये थे, उसमें से मैंने मेरे जेब में 100 रुपये थे, उसमें से मैंने 50 रुपये जेब में से निकाल दिए, मतलब खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 50। तो जो निकाली गई राशि उसको क्या कहते हैं, माइनस में लिखते हैं ना, कम हो गए तो माइनस में लिखा जाएगा। इसने खुद ने कहा है किताब वाले ने कि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी माइनस में लिखा जाता है। पैसे निकाले कितने, 1642, इसको ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में लिखा जाएगा। अब शेष कितने बचे, शेष रुपए बचे, शेष कितने बचे, तो उसके पास पहले कितने थे, 2000, उसने कितने निकाले, -1642। अब ये प्लस के हैं 2000, तो इसके आगे वापस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जो संख्या प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि भाई इसके आगे प्लस आएगा क्योंकि इसने पैसे जमा करवाए हैं। तो उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास पहले 2000 रुपये थे, उसमें से उसने 1642 निकाले, तो पीछे कितने बचे, तो करेंगे बाकी, बचा बची बचे आ जाए तो वहाँ बाकी करनी है। पहले 2000 रुपये थे, उसमें से 1600 निकाल ली, तो पीछे कितने बचे, 2000 में से 1642 बाकी कर दो, पीछे जो बचे वो आ जाएंगे। तो अब इसमें से बाकी करेंगे, 0 में से तो नहीं जाता, यहाँ से उधार दिया यहाँ हो गए 10, फिर इसने उधार दिया इसको यहाँ हो गए 9, यहाँ हो गए 10, फिर इसने इसको उधार दिया यहाँ हो गए 10 और यहाँ हो गए 9। अब 10 में से 2 गया पीछे बचा 8, 9 में से 4 गया पीछे बचा 5, 9 में से 6 गया पीछे बचा 3, और यहाँ एक उधार दिया, यहाँ कितना, 1, 1 में से 1 गया पीछे बचा 0, बाकी आ गई, तो आपके आगे 358 रुपये शेष रहे, शेष कितने रहे, 358 रुपये। ओके चलो इसको कर लो, चलो नोट करो इसको, फिर आगे करवाते हैं। मार्कर यहाँ का,
चलो बेटा, तो इसको बेटा आप लोग कर लेना आराम से बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है एकदम सिंपल। देखना क्या है, रीता रीता बिंदु ए से, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, बिंदु पूर्व दिशा की ओर जाती है, तो पूर्व की ओर बिंदु, पूर्व की ओर बिंदु बी तक, बिंदु बी तक 20 किलोमीटर किमी यानी किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। जिस किलोमीटर की दूरी तय करती हैं उसी सड़क के अनुदिश, उसी सड़क के ऊपर, उसी सड़क के अनुदिश, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह, बी से वह, बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। किलोमीटर की दूरी तय करती हैं यदि पूर्व से, यदि पूर्व से तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप, तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे तथा प्रश्न सिर्फ दिखने में बड़ा है एकदम सिंपल करेंगे तथा बिंदु ए से, बिंदु ए से अंतिम स्थिति, बिंदु ए से अंतिम स्थिति को, अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे देखो बेटा आंसर में लिखे देखना। एक संख्या रेखा कहते हैं या एक चित्र बनाया गया ऐसे है। देखो ये तो है पूर्व दिशा, कौन सी है, इधर तो है पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, इधर है पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा। फिर इसके यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है ए और यहाँ पे दे रखा है बिंदु बी, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करना, देखो अब ये क्या कह रहे हैं उसको देखो, ये कह रहा है कि रीता नाम की लड़की है वह बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये बिंदु ए और पूर्व दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी है पश्चिम दिशा,
तो रीता नाम की लड़की बिंदु ए से, ये बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा इस तरफ, बिंदु बी तक, यहाँ ए से बी तक जा रही है, तो ए से बी तक कितनी दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर आ गई। फिर कह रहे हैं उसी सड़क के अनुदिश, इस सड़क के अनुदिश मैंने इसी सड़क पर वापस बिंदु बी से, ये बिंदु बी से 30 किलोमीटर इस सड़क पे वापस इधर आएंगे, तो बिंदु बी से वापस 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इस बिंदु बी से इसके अनुदिश वापस 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूर्व से बस तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, अगर इधर जाएगी तो प्लस में निरूपित करेंगे इसको। पहले देखो बिंदु ए से बिंदु ए आ गया, पूर्व की ओर इस तरफ जा रही है, ए से बी तक जाने में 20 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो ए से बी की दूरी होगी 20 किलोमीटर, और इसको धनात्मक रूप में अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस में आएगा, और माइनस पश्चिम की ओर आते हैं तो माइनस में आएगा, या माइनस में इसको निरूपित किया जाएगा। तो बी से वापस का, अब वापस क्या कर रही है, पहले तो ए से बी पर गई 20 किलोमीटर की दूरी, और पूर्व की ओर जा रही है तो इसको प्लस में लिखा जाएगा। अब बी से वापस इस तरफ आ रही है, तो यदि पूर्व से तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, अगर इधर जाएंगे तो प्लस में आएगा मान, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। अब वापस पश्चिम की ओर आ रही है, अगर इधर इस तरफ आ रही है तो इस दूरी को कैसे निरूपित किया जाएगा, माइनस में। अरे भाई इधर जाते हैं तो प्लस में आएगा मान, इधर जाते हैं किस में आएगा, माइनस में। इसे खुद ने कहा है कि अगर पूर्व की ओर जाएगा तो प्लस में आएगा, और पश्चिम की ओर मतलब पश्चिम तो पीछे है ना, अरे पूर्व आगे, आगे है पूर्व, पीछे क्या है पश्चिम, इस मान लो जीरो मान लो इसको, ये आगे जा रहा है तो प्लस में मान आएगा, और पीछे आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। तो अगर हम आगे जा रहे हैं पूर्व की ओर तो प्लस में, और पीछे आ रहे हैं तो माइनस में। अब ये क्या किया इसने, बिंदु ए से रीता यहाँ खड़ी है, ये रीता मान लो, रीता बिंदु ए से बिंदु बी पर गई, तो बिंदु ए से बी तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अभी अगर इधर जा रही है तो पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इधर कौन सी है पूर्व दिशा, और इधर है पश्चिम दिशा, तो पूर्व की ओर जाएगी तो प्लस में माइनस, प्लस में मान आएगा, ये प्लस के 20 किलोमीटर, ठीक है। अब वापस बी से ये पश्चिम की ओर आ रही है, कितना 30 किलोमीटर अनुदिश, बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर, बिंदु बी से वापस यहाँ आएगी, ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 किलोमीटर है, तो ये यहाँ तक मान लो ये लोट 20 तो ये और 10 ये टोटल हो गया यहाँ 30, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वापस कितनी हो गई 30। तो इधर अगर पश्चिम की ओर आते हैं, अगर पूर्व की ओर जाएगा तो प्लस में मान आता है, और पीछे आएगा तो किस में आएगा, माइनस में मान आएगा। इसको कोई नाम दे दो बिंदु को सी, पहले ए से बी पर गए इधर जा रहे हैं प्लस में, फिर बी से वापस इस तरफ पीछे आ रहे हैं तो माइनस में मान आएगा, कितना पीछे आ रहे हैं 30 किलोमीटर, इधर आते वापस यहाँ आ गया ये 30 किलोमीटर, इसको मान नाम दे दिया सी। तो आगे जाएगी तो प्लस में मान आएगा, और पीछे आएंगे तो माइनस में मान आएगा। तो जो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है, ये पश्चिम की ओर तय की गई दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, इसको माइनस में दर्शाया जाएगा। और फिर बिंदु ए से अंतिम स्थिति, अब ये यहाँ से वापस यहाँ आया ना, तो अंतिम स्थिति सी पे हो रही है, सी पे कितनी होगी दूरी, तो पहले 20 किलोमीटर इधर गया और फिर 30 किलोमीटर इधर आया, तो 20 में से 30 घटा दो तो अंतिम स्थिति आ जाएगी। लिखना देखो अभी ध्यान से सुनना और देखना, बिंदु, चलो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या किया इसने, रीता ने क्या किया, यहाँ खड़ी थी रीता बिंदु ए पे, ठीक है, तो बिंदु ए से कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा की ओर, बिंदु ए से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर यहाँ खड़ी थी रीता बिंदु ए पे, यहाँ से पूर्व की ओर इधर जा रही है, कहाँ तक गई, बिंदु बी तक, बिंदु बी तक, तो बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, बी तक की दूरी है 20 किलोमीटर, बी तक की दूरी कितनी होगी 20 किलोमीटर। अगर हम पूर्व दिशा में इस तरफ जाते हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं ना, तो पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो जो मान है पूर्व दिशा की ओर की गई दूरी को धनात्मक यानी प्लस में निरूपित किया जाता है, तो प्लस 20, ओके। चलो फिर
अब क्या कर रही है वापस, अब बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी वापस तय करती है। अब बिंदु बी से इसके अनुदिश माने इसी की ओर, इसके पीछे पीछे इधर आती है वापस, तो बिंदु बी से पश्चिम की ओर, अब पीछे आ रही है, अब बिंदु बी से वापस पश्चिम की ओर आएगी, तो बिंदु बी से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, तय की दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर। अब देखो इधर जाएगी तो प्लस में मान आएगा, इधर वापस आएगी तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। पीछे जा रहे हैं बेटा, कम हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, तो पूर्व की ओर जाने पे प्लस में मान आएगा और इधर पश्चिम में आने पे माइनस में मान आएगा, तो माइनस से निरूपित करेंगे माइनस 30 किलोमीटर। अब वापस यहाँ से बी से वापस चलता हुआ 30 किलोमीटर यहाँ आया, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, सी, तो अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, सी, अंतिम बिंदु सी की वास्तविक दूरी, ये क्या कह रहा है, बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा, तो बिंदु सी से वास्तविक दूरी, पहले कितना गया प्लस 20, फिर कितना वापस आया माइनस 30, प्लस 20 माइनस 30, तो देखो प्लस के 20 हैं उसमें से माइनस कितने करने, माइनस के 30, 20 में से 30 नहीं जाते, 30 में से 20 जाते हैं, तो माइनस के 30 में से 20 गए, 30 में से 20 के पीछे कितना बचा 10। अब ऊपर कौन है, माइनस वाले, माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो आ गया माइनस 10 किलोमीटर, तो अंतिम दूरी आ गई माइनस 10 किलोमीटर। ओके चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे करवाते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो बेटा आप लोग अच्छे से करें, समझ में ना आए तो पूछें, आप वीडियो को देख के कमेंट में लिख के बता सकते हैं हमें कुछ समस्या हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।